धर्म स्नेही बंधुओं, समय प्रति क्षण चल रहा है। हम क्रोध करें तो भी चल रहा है, हम पूजा करें तो भी चल रहा है, हम जाग रहे हैं तो भी चल रहा है, हम सो रहे हैं तो भी चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी चल रहा है, और हम कुछ कर रहे हैं तो भी चल रहा है। एक क्षण के लिए भी समय रुकता नहीं है। बिजली का मीटर खराब हो सकता है जो तुम्हारे दिन भर चलने वाला है, लेकिन कभी समय का मीटर खराब नहीं हो सकता है। यहाँ से दिल्ली जाने वाली गाड़ी 5 घंटे में जाती है, उसकी रफ्तार को तेज करके आप 3 घंटे में ले जा सकते हो, लेकिन जिस तारीख जो तारीख जब आनी है वो उसी तारीख में आएगी, उसकी रफ्तार तेज और कम नहीं हो सकती। समय तो समय है, क्या है ये समय, कहाँ से आया ये समय, कब से इसका जन्म हुआ है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, कोई बता सकता है? चर्चा 6 द्रव्यों पर चल रही है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल क्या है? समय है। इसे ना किसी ने बनाया है और ना इसे कोई मिटा सकता है। समय हमेशा से था, है और रहेगा। ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों पर विश्व चल रहा है और इन 6 द्रव्यों के माध्यम से ही ये स्थिरता बनी हुई है। काल द्रव्य, प्रति क्षण परिवर्तन, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। जो चला गया वो इतिहास बन जाता है, जो अभी आया नहीं है वो भविष्य है, और जो वर्तमान है बस वो हमारा है। तो समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपकी दृष्टि में घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, तो सबसे छोटी वाली जो सबसे कम समय बताती है वो सेकंड की होती है। उससे छोटी कोई और इकाई? उस सेकंड के भी 1000 टुकड़े कर दो, उस सेकंड के भी असंख्यात टुकड़े कर दो, असंख्यात, जिसकी कोई संख्या नहीं, 1 सेकंड के, उससे भी छोटी इकाई जो है वो है एक समय। एक समय जो जैन शास्त्रों में बताई है, एक समय कही है उसे, एक समय सबसे छोटी इकाई है। और एक समय को हम सोच नहीं सकते हैं, एक समय को हम पकड़ नहीं सकते हैं, एक समय को हम जी सकते हैं। जब तक हम उसे पकड़ने जाएंगे तब तक तो वो गया। इतनी छोटी है कि हमारे पकड़ने का विषय नहीं है। तो समय अनंत काल से था, है और रहेगा। जैसे अभी हम चल रहे हैं, पहले कोई और चल रहा था, उसके पहले कोई और चल रहा था। इतिहास उठाकर देखो, कभी कोई राजा इस देश का राजा था, कभी राज्य का राजा कोई और था, कभी कोई और था। चलते 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 और पीछे पहुंचो तो तीर्थंकरों का काल आ गया, महावीर भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का, नैमिनाथ भगवान का, नमिनाथ भगवान का, पहुंच जाओ आदिनाथ के समय में। उसके पहले भोग भूमि थी, उसके पहले, इस तरह से ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। और ना तो इसकी स्पीड तेज कर सकते हो, ना मंदी कर सकते हो, इसकी जो स्पीड है इसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इसे कहते हैं काल द्रव्य। क्या कहते हैं? काल द्रव्य। 6 ढाला में जो लाइन आई है, नियत वर्तना निज दिन सो व्यवहार काल परिमाणु, इससे शॉर्ट में काल की परिभाषा कहीं नहीं हो सकती है। नियत वर्तना निश्चय काल, जिसका काम केवल वर्तन करना है, बस वर्तन, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नियत वर्तना निश्चय काल। निश्चय सो, और जो दिन और रात बनाता है, जो घड़ी और घंटा बनाता है,
जो सेकंड बनाता है, जो पक्ष बनाता है, जो महीने बनाता है, है ना, जो साल बनाता है, जो 5 वर्ष का एक युग बनाता है, तो जो सदी बनाता है, हजार बनाता है, लाख बनाता है, करोड़ बनाता है, ये सब काल की गिनती में इसे व्यवहार काल कहा है। देख कितनी देर हो गए, कितनी देर हो गए कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें यहाँ 2 घंटा हो गया। तो आपने 2 घंटे में क्या क्या किया? हमने 2 घंटे में, हमने मतलब आपने है झंडारोहण किया, ध्वजारोहण किया, कलश स्थापना करी, भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा करी, है ना। इतने समय आपके भाव कैसे रहे? शुभ रहे। कैसे रहे? शुभ रहे। अब इतने समय में जो आपने अच्छे काम किए हैं, मतलब आपने समय का सदुपयोग कर लिया। समय तो वो सबको मिला, किसको नहीं मिला समय, लेकिन इस समय का हमने सदुपयोग कर लिया। समय तो अभी और भी है, ऐसा नहीं कि समय खत्म हो जाएगा, और भी आएगा, अभी कल भी आएगा, परसों भी आएगा, नरसों भी आएगा, लेकिन तुम कौन सा क्षण सार्थक कर रहे हो, कौन सा समय सार्थक कर रहे हो, वो देखने वाली बात है। अच्छा, हमें यहां 2 घंटे हो गए बैठे, किसने बताया? समय ने। किसने बताया? समय ने बताया कि हमें 2 घंटे हो गए यहां बैठे हुए। ये व्यवहार काल है। निश्चय काल में भेद नहीं होता है, व्यवहार काल में भेद होता है। तो जब भेद करना हो समय के, कि भाई ये बेटा मेरा 5 साल का हो गया, ये 15 का हो गया, ये मेरी बेटी 35 साल की हो गई, ये मेरा भाई 50 साल का है, ये भेद कर रहे हैं। ये कौन सा काल? व्यवहार काल। कौन सा काल है? व्यवहार काल है। तो सभी द्रव्यों के काम अलग अलग है। जैसे धर्म द्रव्य का क्या काम था? गई परिरियाण धम्मो पुगल जीवाण गमन सहयारी तोयम जय मच्छाड़म गच्छंता डेव सोड़े। गई परिरियाण धम्मो पुगल जीवाण, जो पुद्गल और जीव को चलने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य क्या है? ठाण जुदाण अधम्मो पुगल जीवाण ठाण सहयारी छाया जय पहियाड़म अच्छंता डेव सो धरई। जो जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य है ना। तो इस तरह से काल द्रव्य क्या है? तो काल भी एक द्रव्य है। क्या है? और द्रव्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता है वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। द्रव्य कैसा होता है? उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित होता है। इस काल द्रव्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इस संसार में एक रेत के कण को, एक तिनके को, तिनका जो छोटा सा होता है, एक सुई की नोक के बराबर जगह में जितनी वस्तु होती, इतनी वस्तु को नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर में नहीं है। द्रव्य का नाश नहीं होता है। द्रव्य का नाश नहीं होता, फिर आप कहोगे माता जी इतने मकान नाश हो जाते हैं, वो नाश हो गया, शरीर का नाश हो जाता है, फिर नाश कैसे हो गया? नाश यहां इसका मतलब है परिवर्तन। क्या है? मूल से नष्ट नहीं हुआ है। भाई जब हमारा जन्म हुआ, हम गर्भ में आए, तो हमारा शरीर बनना शुरू हुआ, तो किससे बना हमारा शरीर? शरीर किससे बना? माँ ने भोजन किया तो जो भोजन के परमाणु थे और जो कर्म के परमाणु हैं, उन दोनों को मिलकर के फिर हमारे शरीर का निर्माण हुआ। फिर हम जन्म हुआ, फिर बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ गया। फिर बुढ़ापा के बाद में क्या आता है भाई? पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापा के बाद में क्या आता है? क्या आता है? मृत्यु। अच्छा चलो मृत्यु हो गई, फिर इस शरीर का क्या करते हैं? इसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नाश कर देते हैं, हाँ या नहीं? तुम्हारी दृष्टि में नाश हो गया, लेकिन शरीर को अग्नि में किया, क्या बन गई? राख बन गई। फिर क्या चुगने जाते हो? फूल चुगने जाते हो, चुनने जाते ना, फूल चुनने, फूल चुन करके फिर सिराने जाते हो, है ना, तो राख बन गई। अब राख उड़ उड़ के खेतों में पहुंच गई, है ना, और खेतों में पहुंच गई तो क्या बन गई? घास बन गई। फिर घास बन गई, फिर क्या हुआ? गाय ने घास खाई,
फिर गाय ने घास खाई, फिर गाय ने दूध दिया, फिर दूध पिया, फिर शरीर बन गया। खत्म हुआ क्या? अरे बोलिए ना, खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। ना हवा खत्म होती है, ना पानी खत्म होता है, ना पृथ्वी खत्म होती है, ना कभी वायु खत्म होती, कुछ खत्म नहीं होता है, केवल परिवर्तन होता है ना? तो काल द्रव्य का काम ही परिणमन है। जैसे झूला है, झूले का क्या काम है? घूमना, घूमना, बस घूमता रहता है, ऊपर नीचे, वो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। उसमें कोई बैठ जाए तो वो भी ऊपर नीचे होने लगता है, कोई ना बैठे तो भी ऊपर नीचे हो रहा है, और कोई बैठ गया तो वो भी हो रहा है। तो छह द्रव्य कि ये एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। साथ का मतलब एक एक आकाश के एक एक प्रदेश पर हर द्रव्य विराजमान है, और इसी काल द्रव्य के कारण जीव और पुद्गल में परिवर्तन होता है। किसके कारण हो रहा है? काल द्रव्य के कारण है ना। परिवर्तन किस में हो रहा है? जीव और पुद्गल में, जीव और पुद्गल में। और करने वाला कौन है? काल द्रव्य है। झूले में बैठे हैं, किस में बैठे हैं? झूले में बैठे हैं। काल द्रव्य नहीं कह रहा कि तुम झूले में बैठो, लेकिन तुम बैठे हो, वो चल रहा है तो तुम भी चल रहे हो। तो काल द्रव्य को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम। और एक और शब्द क्या है? वक्त। बोले वक्त बहुत कम है भाई हमारे पास। क्या कम है हमारे पास? वक्त बहुत कम है हमारे पास में, वक्त। और जिसके पास में वक्त कम हो वो, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, जिसके पास वक्त कम हो वो, हाँ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज धर्म के लिए सबसे ज्यादा वक्त कम है। किसके लिए कम है? धर्म के लिए। अब यहाँ विधान होना है, कितने दिन का विधान शुरू हो गया? 40 दिन तक होगा। कौन करेगा? किसके लिए किया ये विधान? विधान किसके लिए हो रहा है? भक्तों के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? समय सार्थक करने के लिए हो रहा है। क्या करने के लिए? तो समय को सार्थक करने के लिए। समय सार्थक नहीं होगा, कौन सार्थक होगा? हम सार्थक होंगे। इसमें रोज भक्त आएंगे, रोज एक एक दो दो तीन तीन जितने भी परिवार हैं आएंगे, यहाँ पर विधान करेंगे, और कम से कम इस निमित्त से, क्या इसे कहते हैं? शुभ निमित्त। यदि शुभ निमित्त मिलते हैं तो शुभ काम होते हैं, और शुभ निमित्त ना मिले तो फिर शुभ काम होने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। अब आपको सोनागिरी में आके इस तरह ठाट से विधान करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ग्वालियर से संगीतकार लेके आओ, और फिर यहाँ पे सारी व्यवस्था बनवाओ, कमेटी से कहो, पैसा जमा करवाओ, फिर अपने घर सबको इकट्ठा करो, फिर टेबल, मानी सारी व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी। अब यहाँ विधान हो रहा है तो आपको क्या करना है? सीधे आना है, और भोजन की थाली और पूजन की थाली दोनों तैयार है। भोजन की थाली और पूजन की थाली दोनों तैयार हैं आपके लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये निमित्त मिला है सबसे पहले सिद्ध क्षेत्र सोनागिर का, यानी एक अपने मंदिर में विधान करना, और एक अपने सिद्ध अतिशय क्षेत्र में विधान करना, और फिर सिद्ध क्षेत्र में विधान करना, दुगना दुगना अंतर है। तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र में आकर के विधान करना एक महान पुण्य होगा, तभी विधान होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने एक विधान कर लिया तो आपका समाप्त, बस अब नहीं करना। नहीं, आप दो भी कर सकते हैं, आप तीन भी कर सकते हैं, आप 40 के 40 भी कर सकते हैं। क्या बात है! जितनी भक्ति जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितनी कर सको उतनी करो। कुछ नहीं हो तो विधान में आकर बैठो। रोज विधान होगा तो इतना पुण्य तो आ जाए कि कम से कम हम यहाँ आके विधान में बैठ ही जाएं। ये भी पुण्य कम नहीं है कि जो विधान हो रहा है उस विधान में आकर यदि रोज बैठ जाते हो तो ये भी महापुण्य की बात है। तो समय आ जाए
कुछ लोग अचानक आए, कुछ पहले से प्रोग्राम फिक्स था तब आए। जो अचानक आए आप समझ लो कि उनका क्या भाव था या क्या उनका विशेष पुण्य था कि उनके हाथों से ये सारी क्रिया होनी थी और आज ऐसे समय पर आए कि ध्वजारोहण भी किया है, भगवान विराजमान भी किए, सारे काम हो गए। यानी अच्छे शुभ निमित्त को पकड़े रखो, क्या शुभ निमित्त को पकड़े रखो तो शुभ निमित्त आपको अनेक शुभ काम करवा देगा। अब आपने तो सोचा था चलो आज मंगलवार है माता जी के दर्शन कर लेते हैं, यही था ना, चलो माता जी के दर्शन कर लेते हैं आज मंगलवार है, निमित्त बनाया मुझे और काम इतने सारे हो गए। तो इसीलिए शुभ निमित्त देव शास्त्र गुरु हमारे शुभ निमित्त हैं, इनको पकड़े रखो सब अच्छा अच्छा होता रहेगा। और इनको छोड़ दिया तो फिर किसकी भाई, जब अच्छा छोड़ दोगे तो बचा क्या? नहीं मैं नहीं कह रही, तो स्वाभाविक है अपने आप ही है भाई, ये तो कृष्ण पक्ष होगा या शुक्ल पक्ष होगा, कोई पक्ष तो होगा ना, शुक्ल पक्ष में रहोगे तो ठीक, नहीं तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए अपने पक्ष को शुक्ल पक्ष बनाए रखो, निमित्त अच्छे मिलाते रहो ताकि कृष्ण पक्ष भी आ जाए तो उसको भी शुक्ल बना दो। खेत में धान का, शादी में पान का और आज होने वाले विधान का, आज नरेश जी की बिटिया का जन्मदिन है, इस उपलक्ष में आज उनका मंगलाचरण रूप में विधान हुआ यहाँ पर। अब पहली सैलरी से ही विधान करवाया है, बताइए बच्चों की कितनी भावना है, जिन बच्चों के अंदर अभी इतनी अच्छी भावना है तो निश्चित ही उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं और आगे भी वो धर्म से जुड़े रहेंगे। और जिन बच्चों में धर्म के संस्कार नहीं है तो समझना जिनके साथ धर्म नहीं है उनके साथ सुख नहीं है, और जिनके साथ धर्म है उनके साथ सुख है, और जिनके साथ धर्म नहीं है वो व्यसनों में फंस जाएंगे, और जिनके साथ धर्म है वो बुराइयों से व्यसनों से बचे रहेंगे। इसलिए धार्मिक संस्कार बच्चों में होना बहुत जरूरी है, वरना ये संसार में आप स्वयं देख रहे हो कि क्या हो रहा है आजकल, जो धर्म से हटके और जो भौतिकता की दुनिया में जा रहे हैं उनकी दुनिया कलह है, क्लेश। अभी बता रहे थे भैया कि बोले किसी लड़की ने बात नहीं मानी, लड़के ने कुछ कहा होगा, लड़की ने बात नहीं मानी, बोले गोली चला दी। बोले एक लड़की और लड़के ने मिलके पहले वाले बॉयफ्रेंड को मार दिया। जो धर्म से नहीं जुड़ेगा जो बच्चे वो ऐसा ही करेंगे, यदि बच्चे धर्म से जुड़े रहेंगे तो बड़ी बड़ी बुराइयों से बचे रहेंगे। और ऐसे एक नहीं कई केस हो चुके, मेरे ख्याल से एक कपने किसको मारा था कि किसी ने वो फ्रीज में रख दिया था करके, टुकड़े करके फ्रीज में रख दिया था, ऐसा कुछ सुना था किसी लड़की ने, 12-15 साल की लड़की ने, लड़की ने मारा था, लड़के ने पिताजी को मारा था, किसको मारा था, लड़की ने पिताजी को मारा था, 12-15 साल की लड़की ने पिताजी को मारा था। हाँ, क्योंकि वो पिताजी मना कर रहे थे कि जो है तुम वो लड़के से बात मत किया करो, या जो भी तुम भाई माँ बाप हैं चिंता तो करेंगे ना बच्चों की, बच्चों की चिंता तो माँ बाप को सबसे ज्यादा होती है कि बच्चे मेरे बिगड़ ना जाएं, बुराई में ना चले जाएं, और बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये बुराई है, वो उसी को अच्छा समझते हैं, जब उसी को अच्छा समझते हैं तो वो पिता को गलत समझते हैं, और जब पिता मना करते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो फिर तो समझ रहे। तो बच्चों को धर्म से जोड़ो, उनके अंदर में धर्म के संस्कार लाओ, उन्हें धर्म का ज्ञान दो, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, समता क्या है, राग द्वेष क्या है, मोह क्या है, क्रोध क्या है, इसके फल क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अपने बच्चों के अंदर रोम रोम में कूट कूट के भर दो ताकि तुम्हारे बच्चे कहीं चले जाएं वो कभी बिगड़े ना। एक आपने गांधी जी का उदाहरण सुना होगा कि जब गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा बेटा शराब मत पीना, मांस मत खाना, गांठ बांध के ले गए।
अब एक दिन कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में बारिश हुई, बारिश हुई तो बहुत तेज बारिश हुई, तो वो एक बरामदे में खड़े हो गए। बोले अरे ये तो मांसाहारी होटल है। तो होटल वालों ने अंदर बुलाया, बोले अंदर आ जाओ, आप बाहर भीग जाओगे। बोले नहीं, मैं तुम्हारी होटल में अंदर भी नहीं आऊंगा, खाना तो दूर की बात है, अंदर भी नहीं आऊंगा। ये गांधी जी के संस्कार थे जो माँ ने देकर भेजे थे। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया कि मतलब कोई होटल हो जाके, भाई हम तो अपना शाकाहारी खा रहे हैं, मांसाहारी नहीं। अरे होटल तो वही है ना, अनुमोदना तो हो ही रही ना, तुम्हारे पैसे तो उसमें जा ही रहे ना, उसका पाप तो तुम्हें लग ही रहा है। ऐसी होटल में खाना नहीं खाना चाहिए जहां पर ये सारी चीजें बनती हैं। चाहे भूखे रह जाना मगर खाना मत। और वर्तमान में जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, पहले तो कुछ लोग थे जो केवल मांसाहार करते थे, अब पैसा बहुत हो रहा है, इसके साथ में धर्म से दूर हो रहे हैं, तो जानते नहीं क्या खाना और क्या नहीं खाना। इसीलिए आज इतनी दुकानें बढ़ रही, इतनी होटल बढ़ रही है इसी कारण से। इस समय कहते ना, समय बड़ा बड़ा बुरा आ गया है। क्या कहते हैं? समय बड़ा बुरा आ गया। बताइए, समय बुरा आया या लोगों ने बुरे काम करना शुरू कर दिया? और कहते क्या हो, समय बुरा आ गया है, है ना? बोले ये रास्ता लूटता है। अब रास्ता लूटता है या वहां रहने वाले लोग लूटते हैं, है ना? हमारी भाषा तो ये है, बोले समय बड़ा खराब आ गया है। तो समय कैसे खराब आया है? समय ऐसे खराब आया है कि लोगों ने खराब काम करना शुरू कर दिया है। कभी कभी जब ज्यादा परेशानी होती है तो लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी कहता है, भाई साहब आपका बड़ा बुरा समय चल रहा है। कैसा समय चल रहा है? बुरा समय चल रहा है, आप सावधान रहो। ऐसा करो, आप भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, माला फेरो, जाप करो और थोड़ा बहुत दान भी करो। कौन कह रहा है? ज्योतिषी कह रहा है। क्यों कह रहा है? समय बुरा आया है तो समय को ठीक करना है। तो समय को ठीक कैसे किया जाएगा? कौन बता रहा है? ज्योतिषी बता रहा है। कैसे बता रहा है? पूजा करो, भक्ति करो, दान करो, माला फेरो, जाप करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, ज्यादा गुस्सा मत करना, तुम्हारा पूरा समय चल रहा है। बुरा समय को ठीक करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। और यदि ये सारे काम करो और अच्छा समय चल रहा हो तो समय बुरा हो जाएगा। नहीं समझे आप बात को? यदि अच्छा समय चल रहा है तो अच्छा समय को खराब कैसे किया जाए? यदि खराब समय आ रहा है, खराब समय चल रहा है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? विधान, पूजा, भक्ति, जाप, माला और गुस्सा आदि नहीं करके, ठीक है? इससे क्या होगा? खराब समय अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा समय चल रहा है, पूजा करते नहीं, विधान करते नहीं, जाप करते नहीं, माला फेरते नहीं, गुस्सा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, तो अच्छा समय खराब हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? अच्छा समय खराब करना हो तो भक्ति, पूजा, दान, तीर्थ यात्रा सब छोड़ दो, तो अच्छा समय बुरा हो जाएगा। और बुरा समय अच्छा करना हो तो करना शुरू कर दो, और अच्छे समय में अच्छे काम कर लो तो बुरा समय आएगा नहीं। इसीलिए आप लोगों को विधान जरूर करना है, और जितने दिन आ सके, जिस दिन मन करे, 40 दिन तक विधान होगा, जिस दिन मन करे। आप तो ग्वालियर रहते ना, आप तो जब मन करे तब आ जाओ, और जो सोनागिर वाले हैं वो रोज आके विधान में बैठो, प्रतिदिन विधान में बैठो। क्योंकि वर्तमान में पाप काटने का भक्ति के अलावा दूसरा साधन अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय करते नहीं, उपवास करते नहीं, ध्यान करते नहीं, परोपकार ज्यादा करते नहीं। अब बचा कौन सा? एक भक्ति बची, और वो भी ना करो तो पाप कहां से कटेंगे। इसलिए जिस दिन मन करे उस दिन आओ और विधान में बैठो, और अपनी तरफ से हो रहा है तो भी बैठो, और पड़ोसी की तरफ से हो रहा है तो भी बैठो, खुद भी आओ और अपने साथ में अपने बच्चों को भी लेकर आओ, ताकि उनमें भी संस्कार आएंगे। नहीं तो बेटा तू घर में रह ले, मैं जा रहा विधान करने। नहीं, तू भी चल, तेरे साथ चलेंगे, तो बच्चों के अंदर भी संस्कार आएंगे पूजा विधान भक्ति के। अभी संस्कार नहीं दोगे तो कब संस्कार दोगे बच्चों को?
विधान, खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले 40 दिन तक चंदा प्रभु विधान का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और विधान को रोज करने का। अभी प्रवचन खत्म नहीं हुआ, अभी तो समय चल रहा है, समय प्रवचन का समय चल रहा है। किसका समय चल रहा है? प्रवचन का समय चल रहा है। तो समय एक है, समय को सार्थक करना। जिस समय आप अपने मोबाइल में व्यर्थ की चीजें देखते हो, उस समय आपका समय सार्थक होता है कि निरर्थक होता है? निरर्थक होता है। और जिस समय आप पूजा भक्ति ध्यान परोपकार करते हो, सार्थक होता है। तो आप अपने जीवन का ज्यादा समय निरर्थक करते हो या सार्थक करते हो? फिर कहते देखो हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो परेशानी आ रही है, हम तो कुछ करते नहीं भगवान, हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं है, किसी का बुरा सोचा ही नहीं है, फिर पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो, अपने आप को बिल्कुल साधु संत जैसा बना देते हो कि भगवान मैं तो साधु हूं, मैं कुछ नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, और आप बड़े खराब हो, इतने दुख मुझे दे रहे हो। कौन दे दुख? कौन देता है? अरे बोलिए ना, दुख कौन देता है? नहीं, अच्छा हो तो मैंने किया है, करते बुरा भगवान, ऐसा कहता है इंसान, ऐसा कहता है इंसान। बिल्कुल गारंटी से कहता है, अच्छा हो तो मैंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से बहुत पैसा खर्च करके डॉक्टर बनाया है, और कोई घटना उसके साथ में घट जाए तो भगवान ने बहुत बुरा किया उनके साथ में। बोलिए हाँ या ना, अच्छा है तो मैंने किया है और बुरा है तो भगवान ने किया। बुरे में तो ऐसे झटक देते हैं पल्लू कि ये बुरे हैं ही नहीं है। बंधुओं, बुरा वक्त सबका आता है, हर व्यक्ति का पंचम काल है, अच्छा अच्छा वक्त किसी का भी नहीं चलता है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सबका होता है। लेकिन इसको, इस ऊपर नीचे में यदि जीने की शक्ति और हिम्मत कोई देता है तो उसका नाम है धर्म। समय हो गया है, मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और होने वाले चंद्रप्रभ विधान का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और विधान में अच्छे अच्छे भाव का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके सोनागिर आने का, मुरार का, अच्छा, कुर्ती के साथ सलवार का, युद्ध में तलवार का, और आने वालों में मुरार का, पापड़ में खार का, और जंगल में झाड़ का, और आने वालों में मुरार का, कपड़े में अस्तर का, जिला में बस्तर का, और आने वालों में लश्कर का। कहां से करेरा? अच्छा, रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में करेरा का। और कहां वाले बैठे हैं? बबीना का, और आने वालों में बबीना का। शरीर में सिर का, गाय में गिर का, और आने वालों में सोना गिर का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की, प्रभु भगवान की जय। आज से इस 550 करोड़ सिद्ध परमेश्वरों की भूमि सोनागिर जी में जहाजपुर तीर्थ प्रणेता गढ़नी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग के सानिध्य में 40 दिवसीय श्री चंद प्रभु महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी नौछावर राशि मात्र 11,000 रुपये है। इस पाठ में आप सभी भी अपना सहयोग प्रदान कर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं। अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति के जन्म दिवस पर, शादी की सालगिरह आदि अनेकों विशेष अवसरों पर इस पाठ में सम्मिलित हों और सिद्ध क्षेत्र पर आकर के
पूज्य माताजी सासंग के सानिध्य में श्री चंद्र प्रभु भगवान की आराधना करने का पुण्य प्राप्त करें। यदि आप नहीं भी आ सकते हैं तो भी आप अपनी राशि अपना नाम बुक करा करके यहाँ पर विधान कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो महामंडल विधान 40 दिवसीय चंद्र प्रभु महामंडल विधान आरंभ कर श्याम है मंगल ध्वजारोपण मंगल ध्वजारोहण किया आरंभ कर श्याम है मंगल कलशम स्थापनम करो मई ह्रीम क्षीम हंस अखंड दीपकम मंगल ज्योतम स्थापनम करोमि ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सब्विशाहुणं चत्तारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरण भवज्जामि अरहंते शरण भवज्जामि सिद्धे शरण भवज्जामि साहु शरण भवज्जामि केवले पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि ओम रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते मार्गखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे शौनागिरि नमनि सिद्ध क्षेत्रे अस्मिन् विधीयमाने श्री चंद्र प्रभो महामंडल विधान आरंभ करिष्यामहे मंगल कलशम स्थापनं करोमि ह्रीं क्षीं हंस स्वाहा। भारत देशे मध्य प्रदेशे सोनगिरि नामनि सिद्ध क्षेत्रे अश्विन श्री 40 दिवसीय श्री चंद्र प्रभो महामंडल विधान संकल्प कुर्मा मंगल कलशम स्थापना करोमि ह्रीं क्षीं हंसः स्वाहा। मोक्ष पुरुषार्थस्य स्वस्ति मंगल विधानाय मंगल कलशम स्थापना करोमि ह्रीं क्षीं हंसः स्वाहा। ओम अस्मिन् यज्ञमंडल मध्योकरी श्री चंद्र प्रभु महामंडल विधान अखंड स्थापना स्थापनं करोमि ह्रीं क्षीं हंसः स्वाहा। ओम दिव्यज्ञानं अखंड ज्योत स्थापनं करोमि। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं 3 से 4 बार आ चुका यहाँ पर। मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। बहुत अच्छा तीर्थ क्षेत्र है। आप यहाँ पर एक बार जरूर आकर देखें। मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ। माता जी के आशीर्वाद से मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो मुनि सुवर्णनाथ भगवान की जय। जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र अपने आप में बहुत ही विलक्षण और इतनी शीघ्रता से बनने वाला मैंने अभी तक कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं देखा। माता जी के मन में अगाध श्रद्धा से भर जाते हैं आकर। स्वस्ति भूषण माता जी इस सदी की एक साधु के समकक्ष मान के चलते हैं, उनसे भी ऊपर। मतलब इतनी व्यवस्थाएं अपने आप में बहुत चमत्कारी है। ये मतलब कह नहीं सकते कि कैसे ये एक चमत्कार हुआ है अपने आप में। चमत्कार से भी ऊपर चमत्कार। वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो ये बहुत
अतिशयकारी क्षेत्र का निर्माण हुआ है और पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये चालू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अन्यथा हम देखते हैं कई क्षेत्रों में जाके के मूर्ति स्थापना हो जाती है और काम चलते रहते हैं मंदिर के, पर ये तो बहुत ही गजब की चीज है कि यहाँ पूरा कंप्लीट होने के बाद इतने कम समय में और मंदिर चालू हो गया कि एक रत्ती भर भी काम नहीं हो रहा अभी, ये कंप्लीट होने के बाद हुआ, ये गजब की चीज है। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।